कैसे? बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी है, मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्लियर है तो आगे बढ़ते एडवांस वाले पे, फ्यूचर परफेक्ट। अब अगर मैं सच बोलूँ ना, तो ज्यादातर लोग जब फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर लोग सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ना, वो सबको बहुत ही डरा देता है, बहुत डर लगता है सबको ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस से। तो मैं आज आपको मीनिंग समझा देती हूँ और इसका यूजेज भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ दूंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कब करते हैं? जब आप किसी ऐसे एक्शन की बात करना चाहते हैं कि जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम के पहले खत्म होगा, ये आप जानते हैं या प्लान कर चुके हैं या प्रिडिक्ट कर चुके हैं। आपके हिसाब से वो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम के पहले खत्म होगा। मतलब परफेक्ट टेंस का जो यूएसपी है ना, वो है टाइम। परफेक्ट टेंस हमको टाइम स्पेसिफाई करके देता है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई विल हैव ईटन माय डिनर बाय 9 PM, तो टाइम क्या है? 9 PM का टाइम है, तो 9 PM भी मेरा फ्यूचर है और डिनर भी मैं फ्यूचर में खाऊंगी। पर जो खाने का सिस्टम है ना, जो खाने का एक्शन है ना मेरे लिए, वो 9 बजे के पहले खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब मैं ऐसा सीक्वेंस शो करना चाहूं, जब मैं आपको बताना चाहूं कि इस टाइम तक मेरा ये एक्शन हो गया होगा, तब मैं फ्यूचर परफेक्ट यूज करती हूँ। शी विल हैव गॉन टू द हेयर ड्रेसर बाय द टाइम यू गेट हियर। तो यहाँ पे मैंने 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे नहीं बोला, मैंने 2 इवेंट्स की बात की है। तुम्हारा यहाँ आना एक इवेंट है और उनका हेयर ड्रेसर के पास जाना दूसरा इवेंट है, और ये जो दूसरा इवेंट है वो पहले वाले के पहले हो जाएगा। मतलब तुम्हारे आने से पहले वो हेयर ड्रेसर के पास जा चुकी होगी। दोनों चीजें फ्यूचर में है, पर एक दूसरे के पहले होती है, तब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो मैं आपको रूल भी समझा देती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ना, उसमें हम विल तो डालेंगे ही, क्योंकि विल से ही फ्यूचर पता चलता है। पर आप ये सोचिए कि आपने प्रेजेंट में क्या डाला था? हैव और हैज डाला था। पास्ट में क्या डाला था? हैड डाला था। यहाँ पे आप विल डाल रहे हैं, पर विल के साथ जो है ना हैज सेट नहीं होता, इसलिए हैज को ना हम धक्का मार के निकाल देंगे इसमें से। हम सिर्फ रखेंगे विल या शैल, और उसके साथ आप हैव यूज कर सकते हो। मतलब कंफ्यूजन और कम हो गया, अब तो हैव हैज का भी कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ आपको विल हैव ही डालना है या शैल हैव ही डालना है। तो आप जो है ना इस रूल में सब्जेक्ट विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद है ना परफेक्ट टेंस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, जो कि इररेगुलर वर्ब्स के लिए अलग होता है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ना, उसका सेंस तब बनेगा जब आप प्रेपोजिशन अच्छे से यूज करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिखाया, बाय द टाइम यू कम हियर, जब तक आप आएंगे तब तक, तो ये जो बाय है, यहाँ बाय 9 PM, तो जो बाय है ना वो टाइम और इवेंट दिखाने के लिए ज्यादा यूज होता है। तो ये याद रखिए कि जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं ना, तो आप दो चीजें बता रहे हैं, या तो आप दो इवेंट बता रहे हैं या फिर एक इवेंट और एक टाइम बता रहे हैं। तो जो दूसरी चीज जो भी है ना, कि जिस टाइम से पहले आपका ये इवेंट खत्म होने वाला है, उसको अच्छे से बताइए, ताकि सामने वाले को क्लियर हो कि आपने ये टेंस क्यों चूज किया बात करने के लिए। अगर इतना आ जाएगा तो जल्दी जल्दी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ I will have finished my work by the time you get here. तो दो चीजें हैं, मैंने मेरा काम खत्म कर लिया होगा और तुम यहाँ पे आ गए होगे, पर ये दोनों साथ में नहीं हो रहे हैं। तुम यहाँ पे आओगे ना, तब तक मैंने मेरा काम खत्म कर लिया होगा। दोनों चीजें फ्यूचर में हैं, पर पहली वाली दूसरे से पहले खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है कि मैंने तब तक कर लिया होगा। गारंटी नहीं है कि हुआ ही होगा, काम ज्यादा भी तो हो सकता है, पर मैंने आज प्रेजेंट में बैठ के कल की बात प्रिडिक्ट करी, तो तब मैं यूज कर रही हूँ फ्यूचर टेंस। और जब दो इवेंट्स की बात कर रही हूँ और सीक्वेंस दिखाना चाहती हूँ, तब यूज करती हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी विल हैव लेफ्ट द हाउस इन द मॉर्निंग। सुबह टाइम आया, उसने घर छोड़ दिया होगा, तो सुबह तक
उसने घर छोड़ दिया होगा। देखो मैंने यहाँ पे बाय यूज नहीं किया है, मैंने इन यूज किया है, क्योंकि टाइम की बात है ना, एक डे के टाइम की बात है। जब मैंने आपसे प्रपोजिशंस की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून ऐसे होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन यूज किया। तो सही प्रपोजिशन यूज करने का ये महत्व है। जब आप सही प्रपोजिशन यूज करते हो तब आपका मीनिंग ज्यादा क्लियरली बाहर आता है। तो यहाँ पे विल हैव आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया लेफ्ट, और इन द मॉर्निंग आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें आपका दूसरा टाइम भी आ गया। तो ये यूज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो अब एक और टेंस की बात करते हैं, ये लास्ट टेंस आज के लिए और आपके ग्रामर के लिए भी लास्ट टेंस। मैं आपसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। बहुत ही लंबा नाम है, बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन यूज पता होना चाहिए। अब ये जो है ना, ये इतना यूज इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये टेंस यूज तब किया जाता है जब आप प्रेजेंट में रह के खुद को फ्यूचर में रख रहे हो और सोच रहे हो कि उस वक्त इस चीज को इतना टाइम हो गया होगा। ये चीज ज्यादा लोग नहीं करते हैं, इसीलिए ये टेंस ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं। क्योंकि आप जब अपने आप को फ्यूचर में रख रहे हो तो आज का एक्शन आपके लिए तो पास्ट हुआ, फ्यूचर में आज आपके लिए पास्ट हुआ, और तब आप सोच रहे हो, फ्यूचर में रह के आप सोच रहे हो कि ये चीज जो है ना उसको इतना टाइम हो गया होगा। इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ज्यादा लोग यूज नहीं करते। जैसे कि एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes। अरे अभी तो 5 बजी ही नहीं है, अभी तो हो सकता है कि 4:30 हुई है, ठीक है। तब आप सोच रहे हो कि 5 बजे मुझे 30 मिनट हो चुके होंगे वेट करते हुए। तो इस तरीके से जो सोचने का पैटर्न है ना, अगर आप सोचते भी हो ना तो आप ज्यादा लोगों से इस तरीके की बात करते नहीं हो, इस वजह से ये टेंस इतना यूज नहीं होता है। लेकिन आना जरूर चाहिए क्योंकि ग्रामर का पार्ट है, अगर कभी बात करनी हो तो आप बात कर सको। वैसे ही व्हेन आई टर्न 25 आई विल हैव बीन प्लेइंग गिटार फॉर 20 years। अब अनुमान लगाओ अभी मैं कितने साल की हूँ, पता नहीं। 25 साल की जब होंगी ना तो गिटार प्ले करते हुए मुझे 20 साल हो चुके होंगे। अभी कितने साल हुए हैं पता नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं 5 साल की थी तब से गिटार प्ले कर रही हूँ। ये मीनिंग इम्प्लाई हो रहा है, इसीलिए यूज किया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये मुझे नहीं बताना था कि मैंने कब शुरू किया, और ये मुझे नहीं बताना था कि मैं कितने साल की अभी हूँ या अभी कितने साल से गिटार प्ले कर रही हूँ, पर ये मैं आपको बता सकती हूँ कि 25 साल की होंगी ना तो 20 साल हो चुके होंगे मुझे गिटार प्ले करते हुए, और आप उससे आइडिया ले सकते हैं। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका रूल क्या है? रूल तो वही है जो सबका होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिक्स करेंगे और बीच में डाल देंगे बीन को। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये सेम चीज है, हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब्स का यूज करना, थिंकिंग वाले वर्ब्स का यानी कि मेंटल वर्ब्स का यूज मत करना, क्योंकि आप उसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो फ्यूचर टेंस जो होता है ना उसमें जब भी कंटिन्यूअस आता है तो आपको ऐसे वर्ब्स का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सेट नहीं होंगे। तो सीम, नो, लाइक, थिंक, ये सब वर्ब्स मत यूज करो। रूल की अगर बात करूं तो विल हैव तो परफेक्ट में था, वर्ब प्लस आईएनजी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में था, और बीच में हमने डाल दिया बीन। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जल्दी जल्दी एग्जांपल दिखाओ। एट 9 o'clock आई विल हैव बीन कुकिंग डिनर फॉर 3 hours। हाँ, ऐसा भी सेंटेंस होता है और लोग सोचते भी है ऐसा। 9 बजे मतलब हो सकता है कि अभी हो गए हो 6 बजे, शायद अभी 6 बजी हो, और 9 बजे मुझे खाना पकाते पकाते 3 घंटे हो चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना। अब आपको मेरा बहुत बहुत मुबारक हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सीख लिया है, और इसी के साथ आपने तीनों टेंसेस भी सीख लिए हैं। एंड आई रियली होप कि आपको सब कुछ क्लियर है और आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल है तो डरिए मत, आइए हमारे पास सवाल पोस्ट करने के लिए।